Welcome back, dear students. Today we are going to discuss chapter number 2 from Mr. Chips. So let's start. What type of village Brookfield was? Brookfield kis kisam ka gaon tha? It was a small and beautiful village. Ye ek chota aur khubsurat gaon tha. It was covered with old elms from all four sides. Ye dihat charon taraf se boodhe drakhton se ghira hua tha. Not only this, sirf yahi nahi, it was white countryside. ये एक बड़ा खुला इलाका था, खुला देहाती इलाका था. What was the main structure of school? स्कूल का बुनियादी ढांचा या बुनियादी इमारत कैसी थी? Apparently, ज़ाहरी तौर पे it looked like reddish brown. ये सुर्ख भूरे रंग की थी. The main campus was a group of 18th century building. जो मरकज़ी कैंपस था वो एक मजमूआ था 18वीं सदी की इमारात का, यानी कि 18वीं सदी में बना था. सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल. क्वाड्रेंगल एक रियाजी की शेप है, चौकोर से मिलती जुलती, यानी कि ये चौकोर शक्ल में, ये चौकोर के करीब करीब जो है उस शक्ल में ये इमारत थी. व्हाट वाज द रैंक ऑफ द ब्रुकफील्ड अमंग द अदर स्कूल्स ऑफ दैट टाइम? ब्रुकफील्ड का क्या मकाम था अगर इसका मवाजना अपने वक्त के दूसरे स्कूल से किया जाए? द स्कूल वाज गुड. स्कूल अच्छा था. इट वाज एन ओल्ड फाउंडेशन. यह एक पुरानी बुनियाद थी. इस्टेब्लिश्ड इन द रीन ऑफ एलिजबेथ, जो कि मलका एलिजबेथ के दौरे हुकूमत में या उसके ज़माने में बनी थी. स्कूल सॉ मैनी अप्स एंड डाउन. स्कूल ने बहुत नशेब व फराज देखे थे. हाउएवर इट रिमेंड अ मीडियोकर स्कूल ऑल द टाइम्स. ताहम ये स्कूल हमेशा औसत दर्जे का मकाम जो है वो रखने में कामयाब रहा था, या उसका दर्जा औसत दर्जे का या दरमियानी दर्जे का रहा. व्हाट हैपन टू स्कूल आफ्टर नेपोलियनिक वॉर्स? जब नेपोलियन की जंगें हुई थी 18वीं सदी में, तो उस वक़्त स्कूल का क्या मकाम था? इट लॉस्ट इट्स फेम. ये अपनी शोहरत को खो बैठा. वेदरबाय ट्राइड टू रिस्टोर इट्स पास्ट ग्लोरी. मिस्टर वेदरबाय जो है उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि इसकी माजी की जो अजमत है उसको वो बहाल कर सकें. वो एक मेहनती हेडमास्टर थे. बट इट नेवर रेज टू ग्लोरी. लेकिन ये अपने उस पहले मकाम तक या अजमत की बुलंदियों तक ना पहुंच सका. व्हाट हैपन टू द स्कूल ड्यूरिंग द रीन ऑफ जॉर्ज वन? जॉर्ज वन इंग्लिस्तान के एक बादशाह थे. उनके दौर में स्कूल को क्या हुआ, या कोई उस वक्त क्या अहम वाक़या स्कूल के हवाले से हुआ? इट वाज़ रीबिल्ट. स्कूल को दोबारा बनाया गया. एंड एक्सटेंडेड इन हिज रीन. और स्कूल की इमारत को वसत दी गई जॉर्ज वन के दौरे हुकूमत में. व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई? ब्रुकफील्ड ने किस किस्म के लोग जो है वो पैदा किए? इट प्रोड्यूस जजेस, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पीयर्स, बिशप्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. इन्होंने जजेस को, नौबादियाती निज़ाम के एडमिनिस्ट्रेटर्स को, पादरियों को, बड़े लोगों को, पार्लियामेंट के मेम्बरान को उनको पैदा किया. नॉट ओनली दिस, न सिर्फ ये, इट प्रोड्यूस्ड मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्क्वेयर्स, पार्सन्स एंड प्रोफेशनल मैन ऑन अ लार्ज स्केल. जो इसके अलावा ताजर, सनतकार, इसके अलावा जो है वो कारोबार करने वाले लोग, पेशावर लोग, वो उसने वसी पैमाने पे जो है वो पैदा किए. यानी कि वो काफ़ी लोग, इस किस्म के लोग जो है वो ब्रुकफील्ड से पढ़ के गए. व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स? जहाँ तक चिप्स के मुआशरती और तालीमी मकाम का ताल्लुक है, वो ज़रा बताइएगा कि वो किस किस्म का था. चिप्स वाज एन ऑर्डिनरी टीचर. चिप्स एक औसत दर्जे का या एक मामूली उस्ताद थे. इफ़ द ब्रुकफील्ड हैड बीन ए स्कूल ऑफ हाई क्लास, अगर ब्रुकफील्ड जो है वो एक बड़े रुतबे का हामिल या बड़ी क्लास का हामिल एक स्कूल होता, देयर माइट बी अ चांस. तो मुमकिन था दैट चिप्स वुड नॉट बी देयर, कि चिप्स वहाँ पे ना होता. डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन तमाम बातों के बावजूद, चिप्स वाज हाईली रिगार्डेड इन ब्रुकफील्ड. चिप्स को जो है वो ब्रुकफील्ड में बहुत इज्जत दी जाती थी. व्हाट वर द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ चिप्स एज अ यंग मैन? चिप्स की बतौर नौजवान आदमी क्या एहसास थे और क्या ख्याल थे? चिप्स वाज वेरी एम्बिशियस इन हिज यूथ. चिप्स जो है वो अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, पुरजोश थे. ही वांटेड टू गेट द हेडशिप. वो स्कूल की हेडमास्टरशिप तक पहुंचना चाहते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट्स. वक्त के साथ साथ उनको अपने अयूब का, अपने ऐबों का पता लगने लगा. एंड स्टेप बैक फ्राम हिज एम्बिशन. और इस वजह से वो अपने
जो उस मकसद थे या उनका जो अज़्म था, एम था, उससे वो पीछे हट गए। वाई चिप्स वॉज नॉट एबल टू गेट सीनियर मास्टरशिप इन ब्रुकफील्ड। चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड में सीनियर मास्टरशिप क्यों ना हासिल कर सके। हिज डिग्री वाजन गुड, उनकी डिग्री इतनी अच्छी ना थी। हिज डिसिप्लिन वाजन गुड, उनका नज़्म ज़ब्त अच्छा नहीं था। ही हैड नो फैमिली लिंक्स, उनके कोई ख़ानदानी तल्लक़ात ना थे जिनकी वजह से वो कोई तरक्की कर पाते। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, उनके कोई ज़ाती ज़राए भी ना थे। हाउ एवर ही वॉज़ ए गुड टीचर। इन तमाम बातों के बावजूद ताहम वो एक अच्छे उस्ताद थे। वट वॉज कॉमन बिटवीन चिप्स एंड ब्रुकफील्ड। चिप्स और ब्रुकफील्ड के दरमियान कौन सी चीज़ मुश्तरक थी या दोनों में मुमासलत क्या थी। बोथ फॉर ओल्ड, दोनों बूढ़े थे। बोथ फॉर ब्रिलियंट, दोनों शानदार थे। बट नॉट अपेरेंटली, लेकिन ज़ाहरी तौर पर वो ऐसा नहीं लगते थे कि वो शानदार हों। लाइक ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड की तरह चिप्स वॉज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। चिप्स, मिस्टर चिप्स बजाते खुद ब्रुकफील्ड की तरह उनका एक ऐसा मकाम था कि वो खुद एक इदारे की हैसियत रखते थे। हाउ डिड चिप्स इम्प्रूव हिमसेल्फ, चिप्स ने अपने आप को कैसे बेहतर बनाया। ही वर्कड हार्ड, उन्होंने बड़ी सख्त मेहनत की। ही इम्प्रूव्ड हिज डिसिप्लिन, चिप्स ने अपने डिसिप्लिन को बेहतर किया। विद द अराइवल ऑफ कैथरीन, कैथरीन के आने के साथ हिज ह्यूमर वॉज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। चिप्स का जो तंज़ो मज़ाह था या उनका जो एक हिस्से मजाक थी वो भी बेहतर हुई। व्हाट हैपन्ड टू चिप्स आफ्टर स्टेइंग 10 ईयर्स एट ब्रुकफील्ड। चिप्स को क्या हुआ जब उन्होंने ब्रुकफील्ड में 10 बरस तक क़याम कर लिया। ही फाउंड डैट ही हैड नो स्पेस एनीवेयर, उनको ये पता लग गया कि अब उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है एक्सेप्ट ब्रुकफील्ड, सिवाय ब्रुकफील्ड के। सो ही पुट ऑल हिज एफर्ट्स टू गेट डीप रूटेड इन द इंस्टीट्यूशन। बस इसी वजह से चिप्स ने अपनी तमाम कोशिशों को, सलाहियतों को बुरुए कार लाया कि वो इस इदारे में अपनी जड़ें गहरी कर लें या वो इस इदारे के अंदर बहुत ज़्यादा गहरे हो जाएं। ही ऑल्सो इन्जॉयड हिज़ लाइफ इन ब्रुकफील्ड, चिप्स ने ब्रुकफील्ड में अपनी ज़िंदगी को भी खूब इंजॉय किया, उससे लुत्फ़ उठाया। कहने का मतलब ये है कि चिप्स जो है ब्रुकफील्ड की सरगर्मियों में और ब्रुकफील्ड में अपने तदरीसी शोबे के साथ मुंसलिक होकर ज़्यादा लुत्फानंदोज़ होते थे। व्हाट वाज चिप्स स्टेटस एट ब्रुकफील्ड एट द एज ऑफ 60। ब्रुकफील्ड में जब चिप्स की उम्र 60 साल हो गई तो उस वक्त उनका क्या मकाम था। ही वाज रिकग्नाइज द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर एट द एज ऑफ 50। जब चिप्स 50 साल की उम्र में पहुँचे तो उनको सबसे ज़्यादा सीनियर उस्ताद या फैकल्टी मेंबर की हैसियत हासिल हो गई। व्हेन ही रीच्ड एट 60, जब वो 60 साल की उम्र को पहुँचे, ही हिमसेल्फ वाज ब्रुकफील्ड। चिप्स का इतना मकाम हो गया था कि उनकी पहचान जो है ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड की पहचान जो है वो चिप्स बन गई थी। अब वो बजाते खुद ब्रुकफील्ड थे। इन विच ईयर चिप्स रिटायर्ड, किस बरस में चिप्स जो है उन्होंने रिटायरमेंट हासिल की। ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 इन 1913। 65 बरस की उम्र में सन 1913 में वो जो है वो रिटायर हुए। व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे चिप्स को क्या पेश किया गया। ही वाज प्रेजेंटेड विद अ चेक, अ राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक। उन्हें एक चेक दिया गया, लिखने के लिए एक मेज़ दी गई एंड अ क्लॉक, और उन्हें एक घड़ी दी गई। अ डिसेंट डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज्ड एक्सप्लेन, एक मुनासिब अच्छा कैरियर अच्छे तरीके से अख्ताम पजीर हुआ। एक्सप्लेन, इस फ्रेज़ को जो है वो ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। चिप्स लव्ड एवरी वन इन ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के अंदर चिप्स हर शख्स से, हर स्टूडेंट से मोहब्बत करते थे। कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज लव्ड बाय ऑल, नतीजतन हर किसी ने भी चिप्स को मोहब्बत दी, उन्होंने हर किसी से मोहब्बत समेटी। द अबव मेंशन फ्रेज क्लियरली शोज़ द कैरियर ऑफ चिप्स विच एंडेड ग्रेसफुली। ऊपर बयान की गई जो फ्रेज़ है, जो सवाल में दी गई थी, वो वाज़े तौर पे ये वाज़े करती है, जाहिर करती है कि चिप्स का जो कैरियर था वो बहुत ही महज़ब शरीफाना और शानदार तरीके से, बावक़ार तरीके से इख्तिताम पसीर हुआ। सो दीज वर सम क्वेश्चंस, सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ चिप्स। होपफुली इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह वील ट्राई टू कवर अप द सिनोनिम्स ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।